So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming once again you in Akash Time Education. तो dear students जो भी prepare कर रहे हो WBJE के लिए, obviously आप लोग सोचते हो कि कितना rank लाना जरूरी है कौन कौन से government college में पाने के लिए. तो मैं obviously इस video में government college versus rank का एक video आपके सामने लाऊंगा जो obviously आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा help करेगा. तो उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो चैनल को subscribe करके notification button को मस्ट ऑन कर लो, because Akash Time Education पे आपको ऐसे WBJE, JEE Mains as well as जो competitive exams है आपके 12th boards के बाद वो आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलेगी. एंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते, बिकॉज सब लोगों के पास इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जाना जरूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं एक एक कॉलेज वाइज कितने कितने रैंक एक्सपेक्टेड जाती है, मैं एक जो है सम करके आपको बोल रहा हूँ नियर अबाउट कितनी जाती है. एग्जैक्टली नहीं जाता, कुछ 100-200 रैंक आगे पीछे हो सकती है, बट एक नियर अबाउट मैं एवरेज करके आपको बोल रहा हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला जो मोस्ट प्रायोरिटी फुल कॉलेज आप सब लोगों का है वो है जेयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी. अच्छा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग कोई भी ब्रांच ढूंढ रहे हो तो मैं बोलूंगा कि 4000 तक आपका डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग को लेके 3000-4000 तक अगर आपका रैंक है तो कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगा. हाँ, अगर आप टॉप ब्रांच ढूंढ रहे हो तो ऑब्वियसली 500-600 रैंक अंडर होना चाहिए, बट अगर आप कोई भी ब्रांच जेयू में आप लोग एंटर करना चाहते हो तो 4000 तक नियर अबाउट आप लोगों का हो जाती है. ठीक है, ये मैं जनरल रैंक का बात कर रहा हूँ. ठीक है, जनरल का. अच्छा, दूसरा हम आते हैं सीयू का, कैलकाटा यूनिवर्सिटी. कैलकाटा यूनिवर्सिटी और एक टॉप यूनिवर्सिटी है, आप लोग जानते हो, इज एक्सपेक्टेड टू WBJE. तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि नियर अबाउट 4000-5000 रैंक तक भी एक अच्छा खासा ठीक ठाक सा ब्रांच आपको देखने को मिलती है. बट अगर आप CSIT वगैरह चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको 1000-1500 ऐसा कुछ रैंक चाहिए, बट 5000 तक आपको कॉलेज मिल जाती है. आते हैं हमारा थर्ड बेस्ट कॉलेज, दैट इज KGEC, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आप बोल सकते हो 3000 से लेके 7000 तक नियर अबाउट कट ऑफ वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे, बट अगर आप लोग अच्छा ब्रांच चाहते हो तो 3000 के आसपास रैंक होना जरूरी है, बट कोई भी ब्रांच पाने के लिए 7000 तक KGEC का कट ऑफ चला जाता है. ये हमारा थर्ड बेस्ट कॉलेज था. आते हैं फोर्थ बेस्ट कॉलेज पे, जो है हमारा JGEC, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नियर अबाउट 7000 से लेके अगर आपका 10,000 और मैं बोल सकता हूँ 11,000 तक डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग को मिला के 11,000 तक अगर आपका रैंक है 7,000-11,000 के रेंज पे, तो आपको JGEC का ठीक ठाक से एक बहुत अच्छा सा ब्रांच आपको मिल जाएगा. 7,000 के आसपास 6-7,000 अगर आपका है तो अच्छा ब्रांच भी वहां पे आपको मिल सकती है. ठीक है, और आते हैं हमारे लास्ट दो कॉलेज गवर्नमेंट का, दैट इज CGEC कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक है रामकृष्ण माता गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और जिसको आप लोग बोलते हो PGEC पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज. अगर आपका रैंक 10,000 से लेकर 15,000 के अंदर वैरी करती है तो ऑब्वियसली आपको ये दो कॉलेज देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो अच्छा ब्रांच पाने के लिए आप बोल सकते हो 7-8000 में अच्छा ब्रांच मिलती है, बट 15,000 तक कोई भी एक ब्रांच मिल जाती है. तो मतलब बोल सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए भैया कितना रैंक तक होना जरूरी है WBJE में. मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये कुछ कॉलेजेस हैं, इसके अलावा भी और कुछ कॉलेजेस हैं, लाइक जो मैं बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी श्रीरामपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बहरामपुर, ऐसे कुछ कॉलेजेस भी हैं. सब मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि 20,000 तक अगर आपका रैंक है जनरल रैंक में, जनरल रैंक का बात कर रहा हूं, तो डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग तक गवर्नमेंट में कोई ना कोई एक सीट आपको नियरली मिल जाती है काउंसलिंग के दौरान, जब WBJE का काउंसलिंग होती है. तो यही आपके लिए अपडेट था. और भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के रिगार्डिंग अपडेट अगर आप चाहते हो तो कौन सी कॉलेज का चाहते हो, कौन सी ब्रांच का चाहते हो, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन पे हमको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमको बोलना. हम लोगों का जो व्हाट्सएप एंड जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत ही वैल्यूएबल अपडेट वहां पर WBJE रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी. तो इस वीडियो में इतना है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल.